Schan presents educational video lectures as per the UGC curriculum absolutely free difficult science concepts made easy study anywhere anytime so you might have learnt about basic process of fertilization by now and you have understood that fertilization requires mixing of or joining of two different type of gametes one coming from male another coming from female but we have some exceptional examples in plants some different examples unique examples in plant where either no fertilization can produce a seed and a fruit they can produce without any fertilization or there is also a possibility that if fertilization takes place more than one uh, embryo is developed within the ovule यानी कि ऐसा भी हो सकता है एक ही ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियोज डेवलप हो जाए या फिर कभी कभी बिना फर्टिलाइजेशन के ही एम्ब्रियो डेवलप हो जाए सो दीज आर टू इंटरेस्टिंग फिनोमेना अबाउट विच विल बी टॉकिंग जिनके बारे में हम इस वीडियो के एंड तक बात करेंगे एंड यू विल बी एबल टू लर्न देयर बेसिक फीचर्स एंड देयर प्रॉपर्टीज वेलकम टू यशांत अकेडमी नेम इज आदित्य एंड वी आर लुकिंग एट सेमेस्टर थ्री बॉटनी जिसमें हम बात कर रहे हैं प्लांट डेवलपमेंटल बायोलॉजी की और प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की इससे पहले कि हम आगे चलें लेट मी रिमाइंड यू अबाउट अ रिकमेंडेशन ऑफ द बुक यू कैन रेफर दीज बुक्स ऑफ एस चांद पब्लिशिंग इन केस यू वॉन्ट टू लर्न मोर डिटेल्स अगर आप और ज़्यादा डिटेल में इन टॉपिक्स को पढ़ना चाहते हैं तो इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं और अगर आपके पास इन बुक्स की हार्ड कॉपीज़ नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की मदद से आप ई e बुक को एक्सेस भी कर सकते हैं so let us start the topic is apomixis and polyembryony two are very different things but uh, you need to know the comparison between two apomixis is a phenomena where a plant can generate another plant or an embryo without the need of fertilization so it's a kind of vegetative process which is mimicking the sexual reproduction another is polyembryony पोली एम्ब्रायोनी मीन्स यूजली विद इन एन एम्ब्रियो सैक यू शुड हैव ओनली वन एम्ब्रियो एक एम्ब्रियो सैक के अंदर एक एम्ब्रियो होना चाहिए लेकिन अगर एक एम्ब्रियो सैक के अंदर एक से ज़्यादा एम्ब्रियो होते हैं दैट इज कॉल्ड एज पोली आपने एनिमल्स के केस में भी देखा होगा ह्यूम्स के केस में भी देखा होगा ट्विनस आर फॉर्म्ड तो ट्विंस क्या हैंट दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ पोलियम्ब्रायोनी वैसे ही समझ लीजिए कि प्लांट्स में भी ट्विंस या मल्टीपल्स फॉर्म कर जाते हैं जिसको हम पॉली एम्ब्रायनी कहते हैं तो इन्हीं दोनों चीज़ों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे आइए शुरू करते हैं अपना डिस्कशन सबसे पहले हम एपोमिक्सिस की बात करेंगे एपोमिक्सिस इज ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन विदाउट फर्टिलाइजेशन बिना फर्टिलाइजेशन के अगर प्लांट्स में सीड का फॉर्मेशन हो रहा है या फ्रूट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसे हम एपोमिक्सिस कहते हैं कभी कभी आपने घरों में देखा होगा कि पपीता लेकर आते हैं पपीते के अंदर सीड ही नहीं होते हैं तो उसमें सीड नहीं है बताइए फ्रूट कैसे बन गया फिर फ्लावर से अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो उस फ्लावर को मैच्योर नहीं होना चाहिए था लेकिन पूरा फ्रूट बन गया देर आर नो सीड्स सो देर इज अ प्रोसेस ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन विच प्लांट फॉलोज एंड दिस इज हाउ इट कैन मेक फ्रूट्स एंड इन सम केसेज इट कैन ऑल्सो मेक सीड्स उसी को क्या कहते हैं एपोमिक्सिस कहते हैं सो इट इज़ वेरी कॉमन इन हायर प्लांट्स हायर प्लांट्स में काफ़ी कॉमन है मोर दैन थर्टी फाइव फैमिलीज पैंतीस से ज़्यादा फैमिलीज़ हैं विच इंक्लूड ग्रामिनी रोजेसी कम्पोजटी रूटेसी ज़्यादातर इनमें से आ, आपके कमर्शियल यूज़ में आने वाली क्रॉप्स जो आ, खाने वाली क्रॉप्स हैं मिलेट्स हैं दालें हैं वो सब चीज़ें इस फैमिलीज़ में आती हैं और आ, सीरियल जैसे कि मेज़ और वीट इनमें अक्सर एपो देखी जाती है एपोमिक्सिस विल बी रिप्रेजेंटिंग

so let us now look at the apomixis types agarum apomixis aniki vegetative way may embryo ke formation ki bhaktare tu vintara sa one of them is called as recurrent another is called as non-recurrent and third one is called as adventive now what are these three things the recurrent apomixis here the megaspore mother cell undergoes the usual mitotic division एंड हैप्लॉयड एम्ब्रियो सैक इज फॉर्म्ड फ्राम विच एम्ब्रियो डेवलप्स फ्रॉम अ हैप्लॉयड एग पार्थिनोजेनेटिकली मतलब इसका मतलब क्या हुआ अगर आपको एम्ब्रियो का डेवलपमेंट ध्यान है सो यू नो दैट वी हैव एग सेल्स प्रेजेंट इन दम्ब्रियो सैक अब मान लीजिए कि एम्ब्रियो सैक जो है इसके अंदर जो मेगा स्पोर मदर सेल है वो माइटोटिकली डिवाइड होना शुरू हो जाती है और डिवाइड होने के बाद इसको कुछ मॉर्फोजेंस कुछ सिग्नल्स मिलते हैं जिससे कि ये खुद फ्रूट में डेवलप होना शुरू हो जाए और एम्ब्रियो में डेवलप होना शुरू हो जाए तो जहां एम्ब्रियो फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉइड बनना चाहिए था वहां पर अगर ये मेगास्पोर मदर सेल के डिवीजन से ही एम्ब्रियो बनने लग जाएगा देन दिस एम्ब्रियो विल बी हैप्लॉयड एंड दिस काइंड ऑफ एपोमिक्सिस विल बी कॉल्ड एज रिकरेंट एपोमिक्सिस एंड दीड्स दैट विल भी जनरेटेड और एग देट विल बी जनरेटेड एज पार्थिनोजेनिक जेनेटिकली जनरेटेड ऐसा एप्पल में पीयर में एलियम यानी कि प्याज और लहसुन में इन सब चीज़ों में इस तरह का रिकरेंट एपोमिक्सिस देखा जाता है ये उसके एग्जाम्पल्स हैं सो सेकेंड टाइप इज नॉन रिकरेंट नॉन रिकरेंट एज आ डिडेड इंटू हेप्लॉइड

इट डज नॉट रिकर ये बार बार नहीं होता है इन अ नॉन रिकरेंट मैनर देन द थर्ड टाइप ऑफ एपोमिक्सिस तीसरी तरह की जो अपोमिक्सिस है दैट इज एडवेंटिटिव एडवेंटेटिव एपोमिक्सिस में क्या होता है एम्ब्रिय अराइज डायरेक्टली फ्रॉम द डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक पार्ट सो इट्स अ काइंड ऑफ आई मीन मोरलेस लाइक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जैसे प्लांट का आप टहनी तोड़ के लगा देते हैं तो नया प्लांट बन जाता है ना तो ऐसे ही एम्ब्रियो का जो वेजिटेटिव पार्ट है उसका जो स्पोरोफिटिक पार्ट है जैसे कि डिप्लॉइड सेल्स न्यूसेलस की या इंटैग्यूमेंट्स इन सब से अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाता है सो यू कैन कंसिडर इट एज लाइक एक्टॉपिक प्रेगनेंसी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी की तरह समझ सकते हैं कि जो नॉर्मल पार्ट है नॉर्मल एम्ब्रियो है जहाँ पर बनना चाहिए उसके अलावा कहीं और किसी दूसरे पार्ट से बन जा रहा है सो सिट्रस फ्रूट्स में ऐसा होता है अपुंशिया और मैंगो आम में भी ऐसा देखा जाता है विच इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एडवेंटिटिव एपोमिक्सिस तो हमने एपोमिक्सिस की बात की अपार्ट फ्रॉम दैट अदर इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्पोरोटिक एपोमिक्सिस वेयर एम्ब्रियज आर प्रोड्यूस डायरेक्टली फ्रॉम द्यूसिलस और इंटेग्यूमेंट सो विच इज सेम एज एडवेंटेटिव एपोमिक्सिस ना बिसाइड दिस फंडामेंटल टाइप ऑफ क्लासीफिकेशन इस क्लासिफिकेशन के अलावा एपोमिक्सिस को एक और तरह से भी डिवाइड किया जा सकता है इट कैन भी डिवाइडेड इंटू डिप्लोस्पोरी और एपोस्पोरी डिपेंडिंग ऑन हाउ द सेल्स आर डिडिंग इन केस ऑफ डिप्लोस्पोरी एम्ब्रियोसैक इज डिराइड फ्रॉम द मेगा स्पोर मदर सेल इधर डायरेक्टली बाई माइटोटिक डिविजन और बाई इंटरप्टिंग मीओसिस मतलब अगर मियोसिस नहीं हुई है डायरेक्टली माइटोसिस हुई है आप जानते हैं कि मदर सेल अगर इट विल अंडर गो इट विल हैव टू ट्रांसफॉर्म इन टू सेल्स फर्स्ट एंड देन दिस हेप्लॉइड सेल्स कैन अंडर गो एंड देन दे कैन डिफ्रेंशिएट दे कैन गिव राइज टू एम्ब्रियो और डायरेक्टली दिस सेल कैन अंडर गो बाय बाई बाईपासिंग मीओस मीओस को बाईपास कर सकती है सो दिस एम्ब्रियो विल बी डिप्लॉयड and this embryo will be haploid if embryo banta hai, is formed then this type of embryo in process kehenge? we will call that as haplospori or apospory but if a diploid part is being formed if this uh, process is directly it is bypassing meiosis then this process will be called as diplospory so diplospori and apospory differ in the kind of mechanism Apospory means new cell cells generally uh, they give rise to apomictic embryo cells now what is nucellus nucellus is the part of ovary or it is the part of ovule which is other than embryo sac embryo sac ke alawa baki jo part hai that is called as nucellus so it's, it's more or less like vegetative reproduction vegetative kind of reproduction whereas if you are having diplospori there will be bypassing of दिस फेज एंड दिस पार्ट ये वाला जो पार्ट है दिस विल भी रिप्रजेंटिंग द प्रीवियस वन वेयर वी लुक डेट हैप्लॉयड पार्थनोजेनिस जहाँ हेप्लॉयड पार्थनोजेसिस की हमने बात की थी सो आई दर डिप्लॉयड प्लाट्स विल भी फॉर्म्ड और हेप्लॉयड प्लाट्स विल भी फॉर्मड और देर विल भी डायरेक्टली फॉर्मेशन ऑफ प्लाट्स फ्राम और एम्ब्रियो फ्राम न्यूसेलर पार्ट्स सो बेसिकली दिस क्लासिफिकेशन कैन ऑल्सो फिट इन प्रीवियस वन अगर आप पिछला क्लासिफिकेशन देखें तो इसमें आप फिट कर सकते हैं देर इज नॉन रिकरेंट एडवेंटेटिव एंड रिकरेंट रिकरेंट इज फ्रॉम द डायरेक्ट माइटोटिक डिवीजन ये माइटोटिक डिवीजन से होता है नॉन रिकरेंट में क्या होता है यू हैव नॉर्मली माइटोटिक मियोटिक डिवीजन हैपनिंग नॉर्मली एंड देन दिज सेल्स जो फाइनल सेल्स होती हैं दे स्टार्ट मेकिंग एन एम्ब्रियो so that gives rise to non recurrent and then adventitive adventitive is one from the new seller so adventitive uh, can be considered as an example of apospory whereas the other two can be considered as an example of diplospory now what is the benefit of Apomixes to plant iska kya benefit ho sakta hai? so it helps the hybrid seed production ye humans ko hybrid seed banane mein madad karta hai. it is one of the most cost effective methods to produce seed कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है सीड प्रोड्यूस करने के लिए और एपोमिक्सिस प्रिवेंट्स द लॉस ऑफ स्पेसिफिक कैरेक्टर्स क्योंकि ये एक तरह से क्लोन्स आप क्रिएट कर रहे हो जेनेटिक इंफॉर्मेशन विल बी कंप्लीटली कंजर्व इंटरेस्टिंग बात ये है कि एपोमिक्सिस क्योंकि एक ही पेरेंट से हो रही है एक ही पेरेंट से प्लांट बन रहे हैं सो देर इज नो चांस ऑफ मिक्सिंग ऑफ ट्रेड्स इफ यू वॉन्ट टू ब्रीड प्योर लाइन्स इफ यू वॉन्ट टू गैदर और स्टोर और प्रिजर्व द जर्म प्लाज्म इन दैट केस यू कैन प्रोड्यूस द सीड्स बाई दिस प्रोसेस एपोमिक्सिस से आप प्रोड्यूस करेंगे तो कोई भी ट्रेड्स की इंटरमिकसिंग वहां पर नहीं होगी दैट इज वन ऑफ द एडवांटेज ऑफ दिसोमिक्स राइट नाउ वी विल नाउ टॉक अबाउट पॉली एम्ब्रायनी किस तरह से कई सारे एम्ब्रियोज बन जाते हैं एक प्लांट में फर्टिलाइजेशन के बाद वी विल लुक इन टू दैट बट जस्ट आफ्टर अट ब्रेक वेलकम टू एस चांद अकेडमी माई सेल्फ डॉक्टर ममता सेठी and i'm here to explain you the various concepts related to the states of matter and chemical kinetics so stay connected like subscribe and share and do not forget to press the bell icon welcome back to ashana academy we were talking about two interesting aspects of plant reproduction च आर बियॉन्ड एज एन एक्सेप्शन दैन कंपेयर टू द नॉर्मल एम्ब्रायनिक डेवलपमेंट एंड दीज वर एपोमिक्सिस एंड पॉली एम्ब्रायोनी सो ब्रेक से पहले हमने एपोमिक्सिस की बात की पूरा प्रोसेस और उसके बेनिफिट्स देखे अब हम बात करेंगे पॉली एम्ब्रायोनी की तो पॉली एम्ब्रायोनी क्या है इट इज द प्रोडक्शन ऑफ टू और मोर देन टू एम्ब्रियोज फ्रॉम अ सिंगल सीड और फर्टिलाइज एग आप ऐसा समझ लीजिए कि एक एम्ब्रियो उससे दो इंडिविजुअल्स वो किसी तरह से दो में डिवाइड हो गया उससे दो प्लांट निकल आते हैं आप कभी कभी ये चीज नोटिस भी कर सकते हैं मे बी इफ यू आर अ फार्मर और इफ़ यू हैपन टू विजिट फार्म्स और इफ यू आर हैविंग अ हॉबी ऑफ गार्डनिंग तो आप कभी देखना कि लेमन का सीड या किसी प्लांट का सीड जो है वो मिट्टी में डालना और अगर एक ही सीड से दो प्लांट निकल आते हैं यूजली अ सिंगल सीड विच इज हैविंग अ सिंगल ओव्यूल दैट शुड गिव राइज टू अ सिंगल प्लांट But sometimes it happens that a single seed will give rise to two plants simultaneously. That happens because embryos are two. The embryos seed two Just like twins. Just twins humans twins organism The fate is to make one child but due to some reasons, either due to, to ovum or due to the division of the zygote developing embryo, दो बन जाते हैं उसी तरह से यहां पर भी पॉली एम्ब्रायोनी का मतलब भी यही है, है कि वन एम्ब्रियो समटाइम्स टर्न्स इनटू टू और इवन मोर एंड दैट रिजल्ट्स इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कम इमरजेंस ऑफ टू और मोर प्लांट्स फ्रॉम अ सिंगल सीड दैट इज वेरी वेरी कॉमन इन जिम्नोस्पॉम्प जिम्नोस्पम्प्स में पॉलिसी पॉली एम्ब्रायोनी बहुत कॉमन है और ये एपोमिक्सिस से भी काफी पहले डिस्कवर हुई थी सबसे पहले ये एंटोनी वॉन विहाक जिन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था पहली बार उन्होंने ही पॉली एम्ब्रायनी को डिस्क्राइब किया था 1719 में तो ये तो और दो तीन सेंचुरीज पुरानी बात है हालांकि पॉली एम्ब्रायनी जो ट्रू पॉली एम्ब्रायनी है उसके अलावा एक फॉल्स पॉली एम्ब्रायनी भी होती है सो दिस इज़ द फिनिना विच अकर्स वन टू और मोर एम्ब्रियोज डेवलप विद इन द सिंगल एम्ब्रियो सैक अगर एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर दो से ज़्यादा एम्ब्रियोज डेवलप करते हैं बिकॉज ऑफ द फर्टिलाइजेशन ऑफ टू एम्ब्रियोसेक्स आई मीन वेन द माइटोसिस इज टेकिंग प्लेस ओव्यूल के अंदर अगर एम्ब्रियोस है कि दो बन गए शुरू में वहां पर दो ओव्यूल हैं तो उस सिचुएशन में जो एम्ब्रियोनी होगी पॉलि एम्ब्रियानी होगी उसको फॉल्स कहेंगे यू कैन इमेजिन इट लाइक एनालॉगस टू आइडेंटिकल ट्वेन्स एंड फ्रेटरनल ट्वेन्स सो द वन देट विल बी जनरेटेड बिकॉज ऑफ द फर्टिलाइजेशन ऑफ टू डिफरेंट ओवम दैट विल बी अ फ्रेटर्नल ट्वेन whereas identical twin will originate because of the division or separation of a single fertilized gygote so the second one fraternal one that can be considered analogous to false polyembryony which arises due to formation of two or more embryos from a single embryo sac ना वी कैन क्लासीफाई द पॉली एम्ब्रायनी हम पॉली एम्ब्रायनी को क्लासीफाई कर सकते हैं दो टाइप्स में स्पॉन्टेनियस पॉली एम्ब्रायनी और इंड्यूज पॉली एम्ब्रायनी सो द डिफ्रेंस बिटवीन स्पॉन्टेनियस एंड इंड्यूज पॉली एम्ब्रायनी इज दैट इंड्यूज पॉली एम्ब्रायनी विल नॉट हैपन इट्सल्फ ये अपने आप नहीं होगी इसको किसी एक्सटर्नल फैक्टर के थ्रू इंड्यूस किया जाता है जैसे कि सबसे पहली बार ये पॉली का जो प्रोसेस है ये सिट्रस फ्रूट यानी कि खट्टे फ्रूट्स में स्पेशली जो ऑरेंज वगैरह है ऑरेंज लेमन इनमें देखा गया था तो हालांकि जब पहली बार ये प्रोसेस देखा गया था दैट वाज एन एग्जांपल ऑफ स्पॉन्टेनियस अपने आप भी पॉली होती है लेकिन कुछ केमिकल्स भी हैं अगर आप नॉर्मल प्लांट्स या जिमनोसपम में विटामिन सी या सिट्रेट इन चीज़ों का एडिशन करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उनके सीड्स में पॉली इंड्यूस हो जाती है

For adjacent cells to undergo division. It leads to the formation of adventitive embryos. I mean, uh, the part of ovary which are uh, responsible for sending signals to the developing embryo, those new cells degenerate, new cellar cells degenerate, and due to the degeneration, a stimulus is sent to the adjacent cells. Means a normal embryo is developing inside the embryo sac, but besides that, when new cell cells are depleting, they will send a signal to adjacent cells, and they will give rise to rest of the cells to induce an embryo. There may be a possible reason for that chemical reason Because in that area, in that volume, some chemical stimulants already present, rahthe, inducing agents already present. Rahthe. The only thing is cells which are at a far away distance.

Now Weber's, who was a famous researcher who worked on uh, polyembryony, he classified the polyembryony into three basic types depending on simple appearance of how polyembryony is taking place, and he classified that as cleavage polyembryony. So it is happening because of the deformities in cleavage. Cleavage is the division of zygote to make embryo. So cleavage polyembryony occurs when a young embryo or zygote divides into two or मोर यूनिट्स एंड हेल्थ इट इज ऑल्सो कॉल्ड एस क्लिवेज और जाइगॉट बडिंग बिल्कुल आइडेंटिकल ट्विंस की तरह अगर आप एनिमल्स के बारे में जानते हैं और आइडेंटिकल ट्विंस के बारे में जानते हैं तो समझ लीजिए कि एक जाइट बना जायगॉट कैसे बनेगा जब पॉलन सेल आकर उसका न्यूक्लियस आकर एग के साथ फ्यूज करेगा सो दैट मेड अ जायॉड नाउ इफ इन द इनिशियल स्टेज इट सेल्फ ड्यूरिंग द क्लिवेज इफ ड्यूरिंग अ डिविजन टू सेल्स गेट सेपरेटेड डिवीज़न हुआ जाइगॉट दो में डिवाइड हुआ तो क्लीवेज में डिवाइड होकर अलग नहीं होना है उन्हें वहीं पर डिवाइड होते रहना है लेकिन वो अलग हो गया और दोनों यूनिट अपने आप में इंडिविजुअली ग्रो कर गई बिकॉज एट द जायॉट लेवल डिफरेंसीशन तो होता नहीं है एट जाइगॉट लेवल यू डोंट हैव सेल्स हैविंग देयर फेट डिफाइंड तो अगर फेट डिफाइंड नहीं है उस टाइम सेल अलग हो गई और दोनों अपना इंडिविजुअल डेवलपमेंट करने लगे बोथ ऑफ दैम विल गिव राइज टू एन इंडिपेंडेंट एम्ब्रियोज इनफैक्ट ये तो एक टेक्निक है एनिमल्स में भी ऐसा होता है एनिमल्स में तो इसको यूज किया जाता है एनिमल्स को क्लोन करने के लिए एम्ब्रियो स्प्लिटिंग टेक्निक इनिशियल स्टेज में एम्ब्रियो को स्प्लिट करके अलग अलग यूटेरस uh, में इम्प्लांट कर दिया जाता है तो बहुत सारे एनिमल्स बन जाते हैं सो एग्जैक्टली द सेम प्रोसेस इज हैिंग इन प्लांट्स ऑल्सो द सेकेंड वन इज कॉल्ड अ सिंपल पॉली एम्ब्रायोनी सिंपल पॉली एम्बराइनी अकर्स वैन मोर देन वन एग और अ लार्ज अमाउंट ऑफ आर्किगोनिया हैप्लॉयड स्ट्रक्चर दिनरेट्स फीमेल गैमेट्स आर फर्टिलाइज मतलब एक से ज़्यादा एग अगर फर्टिलाइज हो जाए एक से ज़्यादा एग सेल्स आपको ध्यान है कि एम्ब्रियोसेक के अंदर एग था सिनरजिड्स थे एंटीपोडल सेल्स थे बीच में डिप्लॉयड न्यूक्लियस था सो so, हमने बात की थी कि एक पॉलन सेल आती है पॉलन न्यूक्लियस आता है वो एग के साथ फर्टिलाइज होता है जाइोड बनाता है लेकिन अगर एक दूसरी सेल इस सिनर्जिट के साथ फ्यूज़ हो जाए दैट कैन ऑल्सो मेक एन एम्ब्रियो वो भी एम्ब्रियो बना सकता है सो इफ दैट हैपन्स अगर एक एग और आर्किगोनिया हेप्लॉइड स्ट्रक्चर दैट जनरेट फीमेल गैमेट्स आर्किगोनिया जो है जो इसको बनाने वाले सेल्स हैं उनके साथ फ्यूज़ कर जाता है देन इट कैन लीड टू polyembryony. Poly and then finally there is a rosette polyembryony. This is basically uh, uh, on the basis of appearance of the structure or arrangement. आपने देखा है कभी-कभी कॉन्फ्रेंस में, मीटिंग्स में कुछ इस तरह का रोसेट आपके पॉकेट पे लगा दिया जाता है. So this is basically the rosette shape. If embryos are being developed, if polyembryony is is being developed in this shape अगर इस शेप में डेवलप हो रही है पॉली एम्ब्रियोनी तो उसको हम रॉसेट पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं जनरली सिट्रस फ्रूट्स में जो पॉली एम्ब्रियोनी होती है वो इस फॉर्मेट में देखी जा सकती है अपार्ट फ्रॉम दैट ऑलमोस्ट ऑल द पाइंस एंड जिम्नोस्पर्म्स दे आर ऑल्सो नोन टू हैव पॉलिसपर्मी ऑफ दिस टाइप सो टू समराइज दिस इस बात को अगर हम समराइज़ करें अपने पूरे डिस्कशन को तो मैं कहूँगा कि जो नॉर्मल फर्टिलाइजेशन है दैट हैज टू एक्सैप्शन वन इज एपोमेक्सिस एंड एम्फीमेक्सिस अनदर वन इज कॉल्डस पॉली एम्बरा एक प्रोसेस है जिसमें डेवलपमेंट जो है एम्बरीओ का वो वेजिटेटिव होता है और दूसरा प्रोसेस है जिसमें फर्टिलाइजेशन होने के बावजूद भी उसके बाद भी एक से ज़्यादा एम्बरीओज बन जाते हैं तो इस पूरे वीडियो में हमने इन दोनों प्रोसेसेस के बारे में समझा उनके टाइप्स के बारे में समझा और उनके सिग्निफिकेंस के बारे में बात की एंड वी लुकड एट हाउ दीज प्रोसेस आर टेकिंग प्लेस आई होप यू लर्न देम एंड यू एंजॉयड लर्निंग दैम इफ यू वॉन्ट टू लर्न मोर अबाउट दीज टॉपिक रेफर टू दीज बुक्स फॉर्म एस चांद पब्लिशिंग एंड इन केस यू डोंट हैव हार्ड कॉपीज ऑफ दीज बुक्स यू कैन गो बिलो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड फाइंड अ लिंक फॉर ई बुक्स देयर तो अगर आपको ये वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो आप इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और अगर आप इसके रेगुलर अपडेट्स अपनी डिवाइस पर चाहते हैं तो इस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग। ऑल राइट्स रिजर्व दिस वीडियो हैज बीन प्रिपेयर फॉर एजुकेशनल पर्पजेज ओनली नो पार्ट ऑफ इट मे बी रिप्रोड्यूस और कॉपीड विदाउट द परमिशन ऑफ द कॉपी होल्डर